नमस्कार जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 7 राज्यों के 70 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। गैंगस्टर और क्राइम सिंडिकेट केस से जुड़ी है जांच। शाह ने की नागालैंड में चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत। कार राजनीतिक समस्या का होगा त्वरित समाधान। अमित शाह बोले रहेगा शांति वार्ता को बनाया जाएगा सफल। पीएम ने की पूर्वोत्तर में विकास के नए युग की शुरुआत। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने अमित शाह को दी धमकी। का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा होगा शाकाहार। तुर्की सीरिया में फिर से महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। 6.3 मापी की तीव्रता। 3 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। पीएम मोदी ने की ऑपरेशन दोस्त की जमकर तारीफ। तुर्की से लौटे बचाव दल के जाबाजों से की बात। शिक्षा मंत्री ने NEP 2020 के तहत बाल वाटिका को किया लॉन्च। धर्मेंद्र प्रधान बोले अब बच्चे करेंगे जादुई पिटारा के तहत पढ़ाई। 10 लाख के 2 इनामी नक्सली हैदराबाद में गिरफ्तार। 2006 से गढ़चिरौली पुलिस को दे रहे थे चकमा। अडानी मसले पर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। वीडियो जारी कर सुनाई मित्रकाल की कहानी। तेलंगाना के भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह का दावा। का मुझे मारने की दी गई धमकी। पाकिस्तान से आया फोन। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र। कहा श्रीलंकाई लोगों ने भारतीय मछुआरों पर किया हमला। असम पुलिस ने पकड़ी नशीले पदार्थ की बड़ी खेप। 25 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त। 2 गिरफ्तार। कानपुर अग्निकांड घटना का एक और वीडियो आया सामने। कलेक्टर पहुंचे शिवम के। SDM ने उतरवाए थे कपड़े। बिहार में JDU के वोट बैंक और विरासत पर कुशवाहा की नजर। RJD की दोस्ती से नाराज नेताओं को साधने की चलाएंगे मुहिम। हापुड़ में NH9 हाईवे पर कोहरे के कारण भिड़े 20 वाहन। हादसे में 30 से अधिक लोग घायल। 1 की मौत। नफरत भाषण मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। का नफरत ही सभी धर्मों की साझा दुश्मन। इसे मन से हटाएं। मुस्लिमों में पेट के लिए देश भर में संपर्क अभियान चलाएगी भाजपा। पूरे अभियान की खुद निगरानी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यमावास में बम रख दिया है, कुछ ही देर में फट जाएगा। 7 बार सिर फिरे ने पुलिस को की फर्जी कॉल। आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कटनी में जिला अस्पताल में आग से मचा हड़कंप। मातृ एवं शिशु वार्ड से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिली रात। हिंसक प्रदर्शन मामले में अदालत ने दी अग्रिम जमानत। मॉरिशस में चक्रवात फ्रेडी के टकराने से हुई मूसलाधार बारिश। 280 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। नवजात को मृत बता पैक कर भेजा। परिजनों ने खोला तो मिली जिंदा। सपा की प्रदेश इकाई और फ्रंटल संगठनों में दिखेगा बदलाव। 2 दौर की हो चुकी है कसरत। नए नामों पर भी विचार। पाक वैज्ञानिक परवेज हुदाबोई ने किया चौंकाने वाला खुलासा। का पाकिस्तान को चीन से मिला था परमाणु बम का डिजाइन। गेहूं की फसल पर गर्मी के असर के आकलन के लिए बनाई समिति। किसानों को सुझाएगी उपाय। परामर्श भी करेगी जारी। पाकिस्तान और तालिबानी सेना के बीच डूरंड लाइन पर हुई झड़प। दोनों पक्षों में तोरखम गेट बंद करने को लेकर हुआ विवाद। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की उत्तर कोरिया की निंदा करने की अपील। का गैरकानूनी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों से दुनिया को है खतरा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के कदम का चीन और रूस ने किया विरोध। का संयुक्त सैन्य अभ्यासों के विरोध में कड़ा कदम उठा रहा है उत्तर कोरिया। 4,45,000 हुई घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले भारतीयों ने रचा एक और कीर्तिमान। निम्ना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्ति खरीदना हुआ महंगा। घर बनाने और दुकान खोलने के लिए ज्यादा देना होगा संपत्ति कर। सुबह की नई पार्टी बनाने को भाजपा ने JDU में बताया पहला विद्रोह। बोले CM नीतीश कुमार के संन्यास लेने की उल्टी गिनती शुरू। गुजरात सरकार ने 9,852 करोड़ रुपए के MOU पर किए हस्ताक्षर। आत्मनिर्भर गुजरात मुहिम के तहत सृजित होंगे 12,000 रोजगार के अवसर। 25 मार्च को होगी नीरव मोदी की कंपनी के हीरे आभूषणों की ई नीलामी। नीलामी के दिन घोषित किया जाएगा वस्तुओं का आरक्षित मूल्य। मादक पदार्थ ले जा रहे पाकिस्तानी ड्रोन को BSF ने किया ढेर। राजस्थान सीमा पर बरामद किए गए संदिग्ध नशीले पदार्थों के 5 पैकेट। दिल्ली में 1969 के बाद से सबसे गर्म दिन रहा 20 फरवरी का दिन। सामान्य से 10 डिग्री अधिक 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। करतार सिंह भड़ाना चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में दोषी करार। विशेष MP MLA अदालत ने सुनाई 1 महीने के कारावास की सजा। कांग्रेस ने दिल्ली के AICC डेलीगेट की जारी की सूची। टाइटलर के नाम को लेकर भाजपा और आप ने जताया विरोध। अभिनेता सुरेश गोपी ने की नास्तिकों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी। बोले पृथ्वी से नास्तिकों के पूर्ण विनाश की भगवान से करता हूँ प्रार्थना। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन के कार्यक्रम में बोली स्मृति ईरानी। का बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में खाई में गिरी बारातियों को ले जा रही बस। हादसे में 6 महिलाओं समेत 15 लोगों की मौत। 60 घायल।
उमा भारती ने मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति को बताया ऐतिहासिक। बोली, शराब सेवन को हतोत्साहित करना लोगों के लिए होगा दिक्कारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति आधारित जनगणना की फिर उठाई मांग। बोले, इस प्रक्रिया के बाद ही संभव है सबका साथ सबका विकास। अमेरिकी हवाई अड्डों पर पिछले साल रिकॉर्ड 6542 हथियार हुए जब चिंताजनक रूप से बढ़ी है अमेरिकी लोगों में हथियारों के प्रति होड़। दिल्ली के सभी 11 जिलों में सेरोगेसी के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन। इच्छुक दंपत्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करेगा बोर्ड। अब्दुल आजम की सदस्यता जाने पर जयाप्रदा ने आजम पर कसा तंज। बोली, आजम खां को मिली सत्ता का घमंड और उनकी करनी की सजा। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए खुला पोर्टल। आज श्रद्धालुओं की संख्या पर फैसला कर सकता है पर्यटन विभाग। वर्षा प्रभावित मैच में भारत ने आयरलैंड को 5 रन से हराया। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 155 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड ने 9वें ओवर में 54 रन बनाए। फिर आ गई बारिश। 150 T20 खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी हरमनप्रीत। भारतीय महिला कप्तान ने 3000 रन पूरे कर बनाया रिकॉर्ड। इंटरव्यू के दौरान नाराज हुई टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। कहा, मैं बागी नहीं, आलोचकों को भी दिया करारा जवाब। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।